अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की 60वें प्रांतीय अधिवेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, मेरा नाम दिवाकर चौधरी है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बुलंदशहर जिले का जिला संयोजक हूँ। जो है अभी हाल ही में 22 तारीख को प्रांतीय अधिवेशन मेरठ प्रांत का खत्म हुआ है। इस प्रांतीय अधिवेशन का भव्य रूप से आयोजन कराया गया। जैसा कि आपको विदित है कि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब था, प्रकृति की बहुत सारी समस्याएं आई हुई थी, बारिश हो रही थी। इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर, स्वयं हमारे प्रांत संगठन मंत्री भी वहाँ पर अपनी बाल्टी लोटा लेकर के पहुँच गए, और इसके बाद बहुत ही भव्य तरीके से वहाँ पर इसका आयोजन हुआ, जो कि असंभव लग रहा था, ये बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद में इसमें विभिन्न सत्र चले। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीनिवास जी भाई साहब ने कार्य पद्धति पर अपना विषय रखा। मनोज नेत्रा जी जो हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री, उन्होंने सीए पर अपना विषय रखा है, और जो हमारी राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी, उन्होंने अर्बन नक्सलवाद को लेकर के वहाँ पर अपना विषय रखा है। इसके अलावा इसमें जो हमारे जिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रही, वो ये थी कि वहाँ पर जो प्रदेश का वर्तमान प्रदर्श्य नाम से एक प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव में खुर्जा के NRSC कॉलेज को एक क्लस्टर विश्वविद्यालय बनाया जाए, ऐसा एक प्रस्ताव वहाँ पे पारित हुआ। इस तरीके के प्रस्तावों पारित होने के कारण से अब NRSC कॉलेज के क्लस्टर विश्वविद्यालय के बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब प्रांत का ये उद्देश्य आने वाले वर्ष में हो जाएगा कि किस तरीके से खुर्जा में NRSC कॉलेज को एक विश्वविद्यालय का रूपरेखा दी जाए। इसके अलावा हमारा IIM जो SFD है, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, उसके माध्यम से पूरे जिले भर में स्वच्छता को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं, और इसके अलावा किस तरीके से शहर को गंदगी से मुक्त किया जाए, जो जाम की समस्या आती है, ट्रैफिक की समस्या है, उसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, विद्यार्थी परिषद किस तरीके से उसमें योगदान दे सकता है, इसको लेकर भी हम जो है चिंता आने वाले समय में करेंगे। इसके अलावा जितनी भी हमारी इकाइयाँ हैं, जो इकाइयाँ चल रही हैं सुचारू रूप से, या फिर जिनमें कुछ गतिमंद है, उनमें हम प्रवास लगा करके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा तीव्रता के साथ में किस तरीके से वो अपने विद्यार्थी परिषद के कामों को और सामाजिक कामों को आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर के भी हमारी जो भविष्य की वो योजना है। इसके अलावा इस जो हमारा प्रांतीय अधिवेशन खत्म हुआ, इसमें राजेश शर्मा जी कुछ विभिन्न जिम्मेदारियां मिली हैं। उनमें राजेश शर्मा जी को प्रांत सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है, विकास कुमार को प्रांत सह संयोजक सोशल मीडिया एवं छात्र शक्ति और मीडिया एवं छात्र शक्ति का, कपिल शर्मा जी को बुलंदशहर विभाग का विभाग प्रमुख, नवनीत सिंगल जी को जिला प्रमुख, ओजस गौड़ जी को विभाग से संयोजक, रदीन जी को जिला। आपने NRC का बताया, NRC को किस स्तर पे आप इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, मुद्दे बुनाने का कोई विषय नहीं है इसमें, जो है ये एक छात्रों की एक आम समस्या है। इस आम समस्या को हमने वहाँ पर उठा के रखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि खुर्जा क्षेत्र में, अगर आप कोई खुर्जा का क्षेत्र का आदमी अगर मेरठ जाता है तो तकरीबन 90-100 किलोमीटर की दूरी है, और इस दूरी को किस तरीके से वो तय करता है, जाके काम हो भी पाता है या नहीं भी हो पाता है, ये आम समस्या है। अब ये विषय है कि अब तक तो इसको विद्यार्थी परिषद की अगर इकाई उठाती तो ये खुर्जा का विषय होता, लेकिन अब आप थोड़ा अंतर समझिए। अगर जिस तरीके से प्रांतीय अधिवेशन में हमारे जो ऊपर के दायित्वान जो हमारे साथी हैं, ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसको स्वीकार करने के बाद में, अब इसमें फर्क ये आ गया है कि पूरा प्रांत इस बात को लेकर के अपना विषय रखेगा, हम उनसे योजनाएं साझा करेंगे और किस तरीके से सकारात्मक पहल के माध्यम से NRSC को एक क्लस्टर विश्वविद्यालय बनाया जाए, इसको लेकर के चिंता करी जाएगी। इसमें अब पूरा प्रांत जो हमारे साथ है।